तो गाइस आज होने जा रही है अनबॉक्सिंग सबसे सस्ती सीरीज 7 वॉच की। जी हाँ गाइस, क्राउन वर्किंग ड्यूल बटन में आपको सबसे सस्ती सीरीज 7 वॉच मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहां हम अनबॉक्सिंग करते हैं आपके फेवरेट गैजेट्स की। और गाइस आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं i7 Pro Max। जी हाँ गाइस, एप्पल सीरीज 7 का एक क्लोन वर्जन है ये। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे पहले बॉक्स का ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे i7 Pro Max लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट है इसमें। ये एप्लीकेशन इसमें आपको डाउनलोड करनी होगी, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में मिलेगी। मैनुअल भी है उसमें भी मिलेगी, और जो वॉच है उसके अंदर भी बार कोड है उसके उसमें भी मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वॉचेज, एक पिंक कलर की बना रखी है और एक अपनी ये ब्लू कलर की स्ट्रैप है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन है, यहाँ से देखेंगे तो ये भी प्लेन है। इस तरफ देखेंगे वॉच 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ आ जाते थे तो यहाँ पे भी वॉच 7 लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम इसकी बैक साइड में। बैक साइड में आप देख सकते हैं 1.80 इंच स्क्रीन है इसकी, 3 स्टाइल मेन्यू है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फीचर्स हैं इसके, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप। बाकी मैं ऐसे ही थोड़ा सा लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन चाइना है ये वॉच। तो ठीक है, मैंने आपको बॉक्स का ओवरव्यू दिखा दिया है, अब चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये इस तरफ से चलेगी और उसके बाद देखिए ये बॉक्स खाली है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ही मैं वॉच प्लेस करूँगा। उसके बाद देखते हैं मैनुअल, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपना इसमें देखते हैं चार्जर, ये देखिए 2 पिन चार्जर है इसमें। देखिए चार्जर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये आ गई है हमारी वॉच, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये है हमारी स्ट्रैप, स्ट्रैप की क्वालिटी भी गाइस काफ़ी बढ़िया है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रैप में दिक्कत है नहीं। तो गाइज ये एक लो बजटेड सीरीज 7 वॉच है जो आपके लिए बेस्ट है। ड्यूल बटन क्राउन वर्किंग सब है इसमें, अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अब इस चार्जर को यहाँ रख देता हूँ और वॉच का ओवरलुक दिखाता हूँ आपको कि वॉच दिखने में कैसी है। तो सबसे पहले ये हटा देते हैं इसका, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाइज ये ऊपर से इसमें ये लगा हुआ है, तो ये मैं हटाऊंगा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं अपनी 1.80 इंच स्क्रीन, यहाँ पे आप देखेंगे इधर स्पीकर बना हुआ है। बैक साइड में प्रिंटिंग है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके सीरीज 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीरीज 7 लिखा हुआ है। 45 mm वॉच है ये। और इस तरफ आप देखेंगे क्राउन बटन वर्किंग है इसका, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ इसका माइक है और ये ड्यूल बटन गाइस वर्क करता है। यही इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत है, आपको एक बजटेड में सीरीज 7 ड्यूल बटन क्राउन वर्किंग वॉच मिलेगी। तो चलिए इस वॉच को ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि इसका UI कैसा है। तो ठीक है, ये यहाँ से ऑन होगी, इस बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए हाई वॉच लिखा हुआ आ रहा है इस पर, क्योंकि हाई वॉच एप्लीकेशन का सपोर्ट है इस वॉच में। बाकी चलिए अब वॉच फेस काउंट करते हैं। पहले इसका क्राउन बटन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्राउन बटन वर्क करता है ऐसा गाइस। बहुत स्मूथ क्राउन बटन है इसका, बहुत ही बढ़िया वॉच है गाइस। क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब आप चलिए वॉच फेस मैं आपको दिखाता हूँ, वॉच फेस काउंट करते हैं। चलो 1, ये मत करना कस्टम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको 8 वॉच फेसेस मिल जाएंगे इसमें। तो गाइज आपको वॉच फेस दिखा दिया, अब चलिए इसका UI दिखाता हूँ। UI से पहले मैं आपको इसका बटन दिखाता हूँ, ये देखिए ये प्रेस करूँगा वॉच अपनी बंद हो जाएगी। ये देखिए ये ऑन ऑफ के लिए है, ये करा। और बाकी ये देखिए ये भी ऑन ऑफ के लिए, ये दोनों बटन का वर्क सेम ही है गाइज, ये देखिए। अब चलिए आपको UI दिखाता हूँ, आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो वॉच फेस चेंज होगा, राइट साइड से भी सेम ही है इसमें। अप साइड से देखेंगे तो टॉगल बार आएगा, टॉगल बार देख लीजिए एक बार, ये इधर क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन का बारकोड मिल जाएगा। और अप साइड से करेंगे तो ये देखिए आप आ गए अपने मेन्यू में, और मेन्यू गाइस इसका देखिए ऐसे बदलेगा। ये जो ये बटन है इसको डबल डबल प्रेस करना पड़ेगा आपको, एक सेकेंड। तो ये देखिए 1, 2, 3, 3 मेन्यू स्टाइल है, बॉक्स पे भी 3 लिखा हुआ था। अब चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो एप्लीकेशन के लिए आपको ये सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे हम स्टार्ट कहाँ से करें, चलिए कहीं से भी कर लेते हैं, बात तो एक ही, सारी एप्लीकेशन कवर कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए आप, वेदर, स्टॉप वॉच, लुकिंग फॉर मैसेजेस, हम कहाँ थे, हम थे वेदर पे, हाँ जी देखिए स्टॉप वॉच मैसेज आ गया। उसके बाद चले रीसेट, ड्यूल मोड, QR कोड वही अपना, मेन्यू स्टाइल 3 है अपने। मोर पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज सेटिंग है, यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं।
उसके बाद ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन की किसी की भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, स्टेप काउंट कर सकते हैं, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मीटर, फोन बुक है इसमें, डायल पैड है इसमें, और रनिंग, उसके बाद बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें, वॉलीबॉल, ये सब आपको इसमें ट्रैक कर सकते हैं। कैमरा आप अपना ऑपरेट कर सकते हैं इसमें, मतलब जब आप अपने डिवाइस को अपनी वॉच के साथ कनेक्ट करेंगे तो अपने डिवाइस का कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे टैप करूँगा तो देखिए स्टार्ट ऐसे करके मतलब आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग्स। सेटिंग्स में गाइज इसका अबाउट सेक्शन दिखाना है मुझे आपको, वो मैं स्किप कर दिया था, दिखाना भूल गया था, तो अभी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे गाइज क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये करते हैं अपना अबाउट सेक्शन में क्लिक। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे i7 प्रो है और बाकी आप सब देख सकते हैं, मैं दिखा दिया आपको इसमें। अब चलिए आपको मैं इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आप अपना कस्टम वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला सेट कर रखा है तो आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो चलिए अब दिखाता हूँ, अपना डिवाइस निकालता हूँ। तो ठीक है, ये मैंने अपना डिवाइस निकाल लिया है, अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये एप्लीकेशन है हाई वॉच प्रो। तो पहले आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन दिखने में कैसी है। ये अपना होम स्क्रीन है, ये देख सकते हैं। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन जो भी परमिशंस मांगे आपको सारी परमिशंस देनी है, एक भी परमिशन को डिनाई मत कर देना। उसके बाद अपने सेट पे आएंगे, देखिए अभी बाइंड नहीं है तो मैं एप्लीकेशन के थ्रू ही बाइंड करूँगा। गाइस बिल्कुल आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही बाइंड करना है, बिल्कुल मिस्टेक मत करना इस चीज़ में कि आप डायरेक्ट ब्लूटूथ सेटिंग्स में कर रहे हो, नहीं, प्रॉब्लम आएगी बाद में, आपको इसी से ही बाइंड करना होगा एप्लीकेशन से, तो इस बात का ध्यान रखना। ये देखिए पेयर मांग रहा है तो मैंने इसे ओके कर दिया। ऐसी आपको सारी परमिशन जितनी भी मांगे सब में ओके ही करना है। तो चलिए मैं आपको ये सब दिखा देता हूँ। अब मोशन में जाते हैं, देखिए रन, बाइक, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद माइंड में आप जाएंगे, इतना कुछ खास नहीं है आपको। अब मैं दिखाता हूँ कि आप अपना कस्टम वॉच फेस कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप गए डायल सेटिंग्स में, ये देखिए इस डायल सेटिंग में जाना है आपको। उसके बाद आपको किसी भी टैप कर देना है, उसके बाद चेंज द डायल पे क्लिक करना है, ये आपकी गैलरी खुल जाएगी। अब मैं इस पे करूँगा, उसके बाद मुझे ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे सिंपल टैप किया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं गाइस सिंकिंग हो रही है इसमें, ये देखिए। और वॉच में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रोसेस में गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम बात कर लेते हैं। गाइस देखिए मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप डायरेक्ट ब्लूटूथ से कभी भी वॉच को कनेक्ट मत करना है, एप्लीकेशन के थ्रू ही करना है। बाद में प्रॉब्लम आती है कि वॉच वॉलपेपर नहीं लग रहा है या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है, तो आपको अच्छे से अगर प्रॉपर सपोर्ट देना है अपनी वॉच को तो एप्लीकेशन के थ्रू ही डायरेक्ट कनेक्ट करिए, पर अपना ब्लूटूथ पहले से ही ऑन करके रखना, कहीं ब्लूटूथ पहले से ही ऑन नहीं करके रखा हो। और दूसरी ये बात है कि एप्लीकेशन को सारी ही परमिशंस देनी है आपको, एक भी परमिशन कोई भी डिनाई मत कर देना। देखिए अपडेट सक्सीड आ गया है, अब ये देख सकते हैं अपनी वॉच में लग गया है कस्टम वॉलपेपर। ये देखिए आप, मैंने यही सिलेक्ट किया था और ये लग चुका है। बाकी गाइस देखते हैं स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके क्या होता है। एक यूआई में मैं ये चीज़ बताना भूल गया था आपको, ये देखिए इससे वॉच फेस चेंज होगा, तो ये देखिए। बाकी गाइस मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया, क्या क्या चीज़ें हैं इस वॉच में, और ड्यूल बटन है, काफ़ी बढ़िया वॉच है। अब चलिए इसे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो ठीक गाइस, ये मैंने इस वॉच में स्ट्रैप लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रैप, बिल्कुल इसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल बहुत ही आराम से घुस गया है, मतलब बहुत ही आराम से फिक्स हो गया है स्ट्रैप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है स्ट्रैप में। बाय गाइस ये वॉच बहुत ही बजटेड है, सीरीज 7 वॉच है ये, ड्यूल बटन है, बहुत ही बढ़िया वॉच है गाइस, आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। आपका बजट अगर लो है तो ये आपके लिए ही बनी है। इसका डिस्प्ले, इसका क्राउन, इसका बटन, इसका हर एक चीज़ बढ़िया है, इसकी चार्जिंग बढ़िया है गाइस। इस वॉच में मतलब मुझे तो कोई खास कमी लगती नहीं है, क्योंकि ये एक बजटेड वॉच है और बजट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है ये वॉच। ओके गाइस, जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।